भारत एक ऐसा देश जहां पर क्रिकेट को किसी धर्म से कम नहीं माना जाता। इसी देश ने क्रिकेट जगत को कपिल देव, सचिन, गावस्कर जैसे अनमोल सितारे दिए, जिन्होंने अपने वक्त के दौरान अपने शानदार प्रदर्शन से पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवाया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, क्रिकेट में नए नए फॉर्मेट्स आते गए और नए नए टूर्नामेंट्स भी आते गए। उन्हीं टूर्नामेंट्स में से एक है IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जिसमें सिर्फ रनों की ही बरसात नहीं होती बल्कि उससे कहीं ज़्यादा उसमें पैसे बरसते हैं। आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि आखिर ये हजारों करोड़ रुपए आते कहाँ से हैं, IPL की एक टीम कितना कमाती है, BCCI को मुनाफा कितना होता है, TV चैनल्स की इनकम कितनी होती है। इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि आखिर में हजारों करोड़ के इस खेल का जो नंबर आप देखने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। IPL का क्रेज भारत में कितना है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि BCCI ने साल 2023 से 2027 तक के मीडिया राइट्स को करीब 48,390 करोड़ में बेचा है और यह आंकड़ा 2018 से 2022 में बेचे गए मीडिया राइट्स के मुकाबले दो गुना ज्यादा है। मीडिया राइट्स की बिडिंग के बाद BCCI सचिव जय शाह ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिकन नेशनल फुटबॉल लीग के बाद IPL दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लीग के रूप में उभरा है, साथ ही इसने इंग्लिश प्रीमियर लीग, मेजर लीग बेसबॉल और NBA जैसे खेलों को पीछे छोड़ दिया है। IPL में पैसा पानी की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें होने वाला मुनाफा किस तरह रॉकेट की स्पीड से ऊपर की तरफ भाग रहा है, उसका सबसे सटीक उदाहरण अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2008 में जब इस लीग की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त 8 टीमों ने मिलाकर कुल $723 मिलियन खर्च किए, तो वहीं साल 2021 में CVC नाम की एक कंपनी ने एक अकेली टीम गुजरात टाइटंस को खरीदने के लिए करीब $740 मिलियन खर्च किया। सिर्फ एक एग्जांपल से आपको ये समझ में आना शुरू हो गया होगा कि IPL में पैसा किस रफ्तार से इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, यानी IPL में कमाई होती कैसे है। पूरे IPL का बिजनेस मॉडल तीन हिस्सों में काम करता है, पहला सेंट्रल रेवेन्यू, दूसरा एडवर्टीजमेंट और तीसरा लोकल रेवेन्यू। पूरे IPL की इनकम का करीब 70% सेंट्रल रेवेन्यू से आता है, जिसमें मीडिया राइट्स और स्पॉन्सरशिप शामिल है। तो चलिए IPL की कमाई का पूरा बही खाता यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि जो चैनल TV और ऑनलाइन के जरिए मैच दिखाती हैं उसमें BCCI और टीम को कितना मुनाफा होता है। जब IPL शुरू हुआ यानी कि 2008 में 8 से 17 तक TV पर मैच दिखाने का लाइसेंस सोनी TV के पास था, जिसके लिए सोनी ने BCCI को करीब 8,200 करोड़ रुपए दिए, जिसके ठीक अगले साल BCCI ने फिर टेंडर ओपन किया कि अब आगे से TV पर मैच कौन सा चैनल दिखाएगा। 2018 में स्टार स्पोर्ट्स ने 16,347 करोड़ की बोली लगाकर लाइसेंस अपने नाम किया। जहां 10 साल का लाइसेंस सिर्फ 8,000 करोड़ में था, वही लाइसेंस अगले 5 सालों के लिए स्टार ने करीब 2 गुने दाम में बोली लगाकर खरीदा। 2023 से 2027 तक के मीडिया राइट्स को BCCI ने 48,390 करोड़ रुपए में बेचा। अगर आप देखेंगे तो 2018 से 2022 के बीच बेचे गए मीडिया राइट से ये दाम करीब 3 गुना ज्यादा है। ये लाइसेंस जितने में बिकता है उसका आधा पैसा BCCI अपने पास रखती है, बाकी का आधा पैसा सभी टीमों में बांट दिया जाता है। सिर्फ टीवी पर मैच दिखाने के लिए BCCI कितना कमाती है अब आपको बता देते हैं। जान लीजिए कि कितना पैसा मिलता है। पहले 10 सीजन में मीडिया राइट्स करीब 8,200 करोड़ रुपए में बेचे गए, यानी कि BCCI ने हर साल तकरीबन 410 करोड़ रुपए कमाई की। साल 2018 में मीडिया राइट्स करीब 16,347 करोड़ में बेचे गए, यानी हर साल BCCI को 2022 तक हर साल करीब 1634 करोड़ की कमाई हुई, जो बीते 10 साल में कोरोना महामारी आने के बावजूद भी 2 गुना तक बढ़ गई। और इसी साल जब टीवी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैच दिखाने के लिए राइट्स 48,000 करोड़ में बिके, और अगर टीम और BCCI के बीच पैसा बांटने का जो नियम है
उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो बीसीसीआई हर साल करीब 4,839 करोड़ की कमाई करने वाली है। पहले 10 साल के मुकाबले 2017 से 22 तक में मुनाफा बढ़कर करीब 399% तक पहुंच गया और यही आंकड़ा 2023 से 27 तक 1180% तक बढ़ने वाला है। मीडिया लाइसेंस से कमाई करने के बाद बीसीसीआई को कमाई टाइटल स्पॉन्सरशिप से होती है। जैसा कि आपने देखा होगा, टाटा आईपीएल, डीएलएफ आईपीएल, ड्रीम इलेवन आईपीएल, यानी आईपीएल के आगे अपना नाम जोड़ने के लिए कंपनियां अंधा पैसा खर्च करती हैं, क्योंकि इससे उन कंपनियों के ब्रांड का खूब प्रचार होता है। जब आईपीएल शुरू हुआ तब 2008 से 2012 तक के लिए डीएलएफ ने टाइटल की स्पॉन्सरशिप के लिए करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके बाद अगले दो सालों के लिए पेप्सी ने करीब 397 करोड़ रुपए खर्च किए। 2016-17 में ये टाइटल 200 करोड़ रुपए खर्च कर वीवो ने अपने नाम किया। इसके बाद फिर वीवो ने अगले 5 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए करीब 2,199 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन भारत चीन विवाद के चलते बीच में वीवो की स्पॉन्सरशिप को रद्द कर दिया गया और साल 2020 के लिए ड्रीम इलेवन ने 222 करोड़ खर्च कर टाइटल स्पॉन्सरशिप अपने नाम कर लिया। इसके बाद जब चीन विवाद थोड़ा शांत हुआ तो वीवो ने फिर एंट्री मारी और एक साल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए 439 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करके इसने ये टाइटल अपने नाम किया, जिसके बाद एंट्री होती है देश की सबसे दिग्गज कंपनी टाटा की। और इस कंपनी ने 2022 और 2023 के लिए टाइटल की स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए करीब 670 करोड़ रुपए खर्च किए। मीडिया राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप के बाद अब जान लीजिए कि जो एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है इससे कितनी कमाई होती है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि डिज्नी स्टार ने 16,300 करोड़ रुपए मीडिया राइट्स खरीदने के लिए खर्च किए, जो जाहिर सी बात है कि इस कंपनी ने पूरी प्लानिंग तो पहले से कर रखी होगी कि हमें मुनाफा कमाना कैसे है। 2018 से 22 तक के लिए एक मैच में विज्ञापन दिखाने के लिए इस कंपनी ने जो रेट तय किए उससे आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि आईपीएल में दुनिया भर की कंपनियां यूं ही पैसा लगाने के लिए होड़ में नहीं लगी हैं। पिछले 5 साल में एक मैच के दौरान 10 सेकंड के विज्ञापन दिखाने के लिए करीब 14 लाख रुपए चार्ज किए गए थे। यही नहीं, एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि जहां पर 10 सेकंड के एड के लिए 14 लाख रुपए चार्ज किया जा रहा है, अगर आईपीएल इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो 10 सेकंड के एड की कीमत 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ये इसलिए क्योंकि आपने खुद देखा होगा कि मौजूदा आईपीएल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार में 2 करोड़ से भी ज़्यादा दर्शक मैच देख रहे होते हैं। इसके अलावा जो टीवी पर देख रहे होते हैं वो अलग। अब इसमें जिस भी सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, मोबाइल या कोई भी विज्ञापन दिखाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका प्रचार करोड़ों लोगों के बीच में हो रहा है, जिससे उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है, उसके प्रोडक्ट की सेल भी बढ़ती है। और इसके अलावा फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों से भी कई कंपनियों को विज्ञापन के लिए शूटिंग करवाने भेजती हैं। इसका रेट भी करोड़ों में होता है, जिसकी कमाई का हिस्सा टीम को जाता है। स्टार इंडिया ने 2021 में कहा था कि आईपीएल के लगातार चौथे साल 40 करोड़ व्यूअरशिप का आंकड़ा पार करने के रास्ते पर है और ये आंकड़ा लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आईपीएल टीमों की कमाई का एक बड़ा जरिया टिकटों और मर्चेंडाइज यानी टी शर्ट, कैप, क्रिकेट किट, इन सब की बिक्री से भी होता है। अमूमन जो भी दर्शक मैच देखने जाता है उसमें औसतन हर तीसरा आदमी कुछ न कुछ मर्चेंडाइज खरीदता ही है। सिर्फ टिकट की बिक्री से ही टीम को लगभग 4 करोड़ की कमाई हो जाती है और इसका 80% हिस्सा घरेलू टीमों को मिलता है। अब आप ये जान लीजिए कि जीतने वाली टीम और रनर अप टीम को क्या मिलता है। जो टीम आईपीएल का फाइनल जीतती है उसे 20 करोड़ की प्राइज मनी मिलती है, रनर अप को 13 करोड़ और इसका आधा पैसा टीम के मालिक को मिलता है और आधा पूरी टीम में बांट दिया जाता है। अब आखिर में आप जान लीजिए कि आईपीएल देश की इकोनॉमी में अपनी क्या भूमिका निभाती है। आईपीएल में भारत के अलावा दुनिया के कई प्लेयर्स खेलते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज में क्रिकेट के करोड़ों फैंस हैं। अब जो मैच देखने आते हैं वो होटल में भी रुकते हैं, होटल में रुकेंगे तो खाना भी खाएंगे, मैच देखने के लिए स्टेडियम जाना होगा तो वो
ट्रैवल एजेंसी का सहारा लेंगे। इन सभी चीज़ों में वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से सरकार को टैक्स दे रहे होते हैं और वो टैक्स सरकार के खाते में जाता है जो कि सीधे देश की प्रगति में काम आता है। IPL जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ग्राउंड स्टाफ, प्राइवेट सिक्योरिटी प्लेयर्स के लिए स्टाफ, इन सभी के लिए रोजगार के मौके उत्पन्न कराता है। यहाँ तक कि स्टेडियम के बाहर जो लोग चाय पकौड़े की दुकान भी चलाते हैं उनकी कमाई में भी अच्छा खासा उछाल आता है। तो डायरेक्टली भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में ये सारे सेगमेंट मददगार साबित होते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए ये समझ में आया होगा कि IPL में BCCI और टीमों को कितना और कैसे मुनाफा मिलता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ABP Live को सब्सक्राइब करें।